आखिर बर्फ से आग कैसे लगाई जा सकती है, और जब एक ब्रेड को टोस्टर में डालकर टोस्ट किया जाता है तो उसके साथ क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वॉर्म दिखाने वाला हूं जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रेमेंडस फैक्ट्स सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों बात जब भी क्लाउड्स की होती है तो वो हमें आसमान पर लटके हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बेहद ही रेयर चांसेस में आसमान पर लटके हुए क्लाउड्स भी आपसे मिलने सरफेस पर आ जाते हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक काफी बड़ा क्लाउड अर्थ सरफेस पर फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है। असल में दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लाउड्स में बहुत बड़ी मात्रा में मॉइस्चर मौजूद होता है, और ये मॉइस्चर क्लाउड के अंदर छोटी छोटी बूंदों में एक दूसरे से काफी दूरी पर फॉर्म होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जनरेट हो जाती है जिसके चलते हुए क्लाउड में मौजूद मॉइस्चर की यही छोटी छोटी बूंदें मिलकर आपस में एक बड़ी बूंदें बनाना शुरू कर देती हैं। बट ऑन दी अदर हैंड वेदर कंडीशन सूटेबल ना होने की वजह से वो बादलों को छोड़कर बरस नहीं पाती हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है कि कुछ ही देर के बाद ये बूंदें आपस में मिलकर काफी बड़ी और हैवी बूंदें बना देती हैं, जिन पर एक लिमिट के बाद अर्थ की ग्रेविटी लगने लगती है। अब जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी इन बूंदों को नीचे की तरफ खींचती है तो ये बूंदें या फिर मॉइस्चर एक बहुत बड़े अमाउंट में बादलों के रूप में ही पृथ्वी के सरफेस पर कुछ इस तरीके से आ जाता है। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा रेयर कंडीशन में होती है। सो फाइनली अब आप क्लाउड्स का अर्थ के सरफेस पर आने के पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपने बहुत सारी मूवीज या फिर वीडियो क्लिप्स में ऐसे ग्लू को तो जरूर देखा होगा जो चुटकी बजाते ही किसी भी इंसान को चिपका देता है, एंड ऑनेस्टली उस कंडीशन में इंसान चाहकर भी ज्यादा हिलडुल नहीं पाता। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा वॉर्म भी मौजूद है जो इसी चीज को बेहद ही नेचुरल वे में करता है, एंड पॉइंट टू बी नोटेड उसको किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल ग्लू की जरूरत भी नहीं पड़ती। दरअसल दोस्तों इस वॉर्म का नाम वेलवेट वॉर्म है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये अपने एनिमी से खुद की रक्षा करने या फिर अपने शिकार को फंसाने के लिए अपने फेस पर मौजूद स्लाइम ग्लैंड से बेहद ही स्टिकी और थिक लिक्विड को थ्रो करता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये नेचुरल लिक्विड इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जैसे ये लिक्विड इसके शिकार पर पड़ता है ये तुरंत ही उसकी बॉडी को एक ग्लू की तरह चिपका देता है, एंड उसके बाद या तो ये बेहद ही आसानी से वहां से भाग जाता है या फिर अपने एनिमी को ही अपना शिकार बना लेता है। तो ये वॉर्म और इसकी सुपर पावर अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी ब्रेड को टोस्टर के अंदर डाला जाता है तो कुछ ही देर के बाद वो कुछ इस तरीके से हार्ड और ब्राउनिश सी हो जाती है, एंड उसके बाद उसका टेस्ट भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाता है। तो वहीं दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली ब्रेड को टोस्टर के अंदर डालने के बाद ब्रेड के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसका कलर और वो कुछ इस तरीके से हार्ड हो जाती है, तो क्या उसका साइंटिफिक आंसर आपके पास होगा? नहीं, तो चलिए आज पहले ब्रेड को ही टोस्ट कर लेते हैं। असल में दोस्तों ऐसा होता है मिलॉड रिएक्शन की वजह से। असल में दोस्तों ये केमिकल रिएक्शन उन फूड्स के साथ सबसे बड़े स्केल पर होती है जिनके अंदर एमिनो एसिड, प्रोटीन और शुगर मौजूद होती है। तो वहीं दोस्तों बात अगर ब्रेड की जाए तो ब्रेड के अंदर ये तीनों ही चीजें अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं। अब जैसे ही किसी भी ब्रेड को टोस्टर के अंदर डालकर गर्म किया जाता है तो ब्रेड में मौजूद एमिनो एसिड प्रोटीन्स के साथ मिलकर एक रिएक्शन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके एक सॉलिड चेन के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। बट ऑन दी अदर हैंड प्रोटीन के अपने स्ट्रक्चर को बदलते ही शुगर प्रोटीन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो हीट मिलते ही प्रोटीन की चेन में एंटर करके ब्राउन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से अगर हम किसी भी ब्रेड को ज्यादा लंबे समय तक हीट दे देते हैं तो उस कंडीशन में उसके प्रोटीन का स्ट्रक्चर दोबारा से ही चेंज हो जाता है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से शुगर ब्राउन से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारी ब्रेड जल गई हो। सो फाइनली अब आप किसी भी ब्रेड के टोस्ट में कन्वर्ट होने के पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको मॉस्किटो के द्वारा ह्यूमन ब्लड को सक करते हुए बेहद ही डिटेल्ड वे में दिखाया था, लेकिन क्या आपको पता है कि मॉस्किटोज ह्यूमन ब्लड के इतने ज्यादा प्यासे होते हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी जनरेट हो जाती है जिसके चलते हुए वो ह्यूमन ब्लड को सक करते करते अपने ही एब्डोमेन यानी कि पेट को डैमेज कर लेते हैं। मतलब कि उस समय पर उनका ही ब्रेन उनके ही एक्शन पर से अपना कंट्रोल खो देता है, परिणाम स्वरूप उनका स्टमक डैमेज हो जाता है। तो ये तो बात हो गई मॉस्किटोस के अजीबोगरीब बिहेवियर की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसी रेयर सिचुएशन को कभी भी अपनी आंखों से
देखा है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कभी कभी मॉस्किटोज इस कदर ह्यूमन ब्लड को सक करते हैं कि लास्टली वो खुद के ही एब्डोमेन को इस तरीके से डैमेज कर लेते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अभी अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी है वो इस प्रोसेस की काफी ज्यादा रेयर वीडियो क्लिप भी मानी जाती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों बचपन से ही हमें ये पढ़ाया जाता है कि ईल फिश काफी बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ईल फिश इस कारनामे को कैसे कर लेती है? एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर यश जिन्होंने इसके पीछे की साइंस जानने के लिए मुझे कमेंट किया। तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस भी जान ही लेते हैं। असल में दोस्तों ईल फिश की टेल में मिलियन ऑफ इलेक्ट्रोसाइट्स सेल्स होते हैं जो कि ईल की सेंट्रल नर्व से कनेक्टेड होते हैं। अब क्योंकि ये सेल्स अंदर से नेगेटिव चार्ज होते हैं तो ये बॉडी में नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर से बहुत बड़े अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं जो कि सेल्स की बाहरी सतह पर चारों ही तरफ घूमते रहते हैं। अब जैसे ही ईल फिश किसी भी खतरे को भांपती है उसका ब्रेन इन्हीं सेल्स को एक सिग्नल देता है जिसकी वजह से ये सेल्स अपने बाहरी चैनल को खोल देते हैं, जिसकी वजह से सेल्स के बाहर घूम रहे पॉजिटिव चार्ज सेल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। परिणाम स्वरूप सेल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराता है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है और यही इलेक्ट्रिक स्पार्क हमें 600 वाट के इलेक्ट्रिक शॉक की तरह महसूस होता है। सो आई होप आज इसके पीछे की साइंस भी आपको समझ आ गई होगी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों हम सभी ने कभी ना कभी बैलून्स के साथ तो जरूर खेला होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी भी बैलून को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा? नहीं तो पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक बैलून को लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर दिखाया जा रहा है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जैसे ही किसी भी बैलून को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाला जाता है तो वो सिकुड़कर एक बेहद ही छोटे से फ्लैट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आखिर एक फूला हुआ बैलून फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट कैसे हो जाता है? असल में दोस्तों लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आप जैसे ही किसी भी बैलून को सादा हवा या फिर हीलियम से भरकर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाला जाता है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से बैलून में मौजूद गैस का प्रेशर कम होने लगता है। गैस का प्रेशर कम होते ही गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं जिसकी वजह से बैलून में मौजूद गैस का वॉल्यूम कम होने लगता है। गैस का वॉल्यूम कम होने की वजह से हमारा बैलून कुछ इस तरीके के बेहद ही छोटे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और यही वो कारण है जिसकी वजह से जैसे इस बैलून को लिक्विड नाइट्रोजन से निकाला जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बैलून के अंदर भरी हुई गैस के मॉलिक्यूल्स दोबारा से ही एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा बैलून कुछ इस तरीके से चंद ही मिनटों में दोबारा से फूल जाता है और ये चीज देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग जरूर लगती है। फैक्ट नंबर 9। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के द्वारा सभी एनिमल्स को अपने एनिमीज से सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग सुपर पावर्स दी गई हैं और उसी की तत्परी दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी लिजर्ड दिखाने वाला हूं जो अपने एनिमीज से खुद की रक्षा कुछ इस तरीके से करती है कि जिसे देख आप भी लहरा जरूर जाएंगे। दोस्तों इस लिजर्ड का नाम सेल्यूनमेंडर लिजर्ड है जो अपने एनिमीज को भ्रम में डालने के लिए अपनी टेल को कुछ इस तरीके से ऊपर उठाकर लहराना शुरू कर देती है। असल में दोस्तों इस लिजर्ड की बॉडी कुछ इस तरीके से ग्रो करती है कि जैसे ही एनिमी इसके छलावे में आकर इसकी टेल पर अटैक करता है ये तुरंत ही अपनी टेल को छोड़ देती है जिसके बाद ये तुरंत ही एक्टिव होकर शिकारी को ही अपना शिकार बना देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार टेल छोड़ने के 20 से 25 दिनों के अंदर ही इसकी टेल दोबारा से ग्रो भी कर जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी लिजर्ड है जो चुटकी बजाते ही अपने शिकारी को ही अपना शिकार बना देती है। लोग जब जिम जाया करते थे तो वो उस समय पर क्या पहन कर जाते थे? नहीं पता, पता होगा भी कैसे क्योंकि उस समय पर वो लोग कुछ भी पहना ही नहीं करते थे। असल में दोस्तों प्राचीन ग्रीस के लोग परफेक्ट बॉडी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे और उसी की तर्ज पर ही वो लोग ये भी माना करते थे कि अगर किसी भी मेल की बॉडी बिल्कुल ही परफेक्ट होगी तो उससे ना सिर्फ लोग बल्कि उनके ईश्वर भी काफी ज्यादा खुश होंगे और यही वो कारण था जिसकी वजह से प्राचीन काल में ग्रीस में केवल एडल्ट मेल्स को ही जिम में एंट्री दी जाती थी जहां पर उन्हें अपने ईश्वर को प्रसन्न करने और बॉडी शेमिंग को दूर करने के लिए सारे ही कपड़ों को उतार कर एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे कि वर्ड जिम्नेजियम भी एशियन ग्रीस से ही लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्कूल फॉर नेकेड एक्सरसाइज। फैक्ट नंबर 7।
क्या आपको पता है कि विश्व की जानी मानी फूड चेन कंपनी मैकडोनल्ड्स के द्वारा साल 1990 में न्यूजीलैंड की एक सिटी के अंदर कुछ ऐसा किया गया जिसके चलते हुए सिर्फ एक महीने के अंदर ही उनकी सेल्स 60% तक बूस्ट कर गई। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा कि साल 1990 से लेकर आज तक मैकडोनल्ड्स न्यूजीलैंड की साउथपो सिटी में अपने कस्टमर्स को एक DC-3 प्लेन के अंदर बैठाकर फूड सर्व करता है। असल में दोस्तों ये एक 24 सीटर एयरक्राफ्ट है जिसका की इस्तेमाल साल 1961 से लेकर 1966 तक न्यूजीलैंड की एयरफोर्स के द्वारा किया जाता था, जिसके बाद इस प्लेस के ओनर के द्वारा इसे परचेज कर लिया गया। एंड फाइनली जब इस प्लेस को मैकडोनल्ड्स के द्वारा खरीदा गया तो साल 1990 से लेकर आज तक ये प्लेन मैकडोनल्ड्स की सेल्स में 4 चांद लगाए हुए है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग रेस्टोरेंट के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम इंसानों में से भी बहुत से ऐसे इंसान हैं जो कि क्लेप्टोमेनिया से ग्रसित होते हैं। असल में दोस्तों ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को कुछ भी चुराने की आदत होती है, मतलब कि वो इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता है और वो इधर उधर कुछ ना कुछ चीजों को चुराता फिरता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मेंटल डिसऑर्डर सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि डॉग्स और इवन कैट्स में भी पाया जाता है, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल है जॉर्डन कैट। असल में दोस्तों ये एक पेंसिल्वेनियन कैट है जो कि हर रात अपने पड़ोसियों के घर से उनके शूज और स्लीपर्स को चुराकर अपने घर ले आती है, और ये कैट कितने डेडिकेशन के साथ शूज को चुराती है इसका अंदाजा आप इस इमेज को देखकर लगा सकते हैं, जहां पर आप इस कैट की हर रात की लोकेशन को देख सकते हैं जब ये कैट जूते और चप्पलों को चुराने निकलती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस कैट के इस मेंटल डिसऑर्डर से परेशान होकर इस कैट की ओनर के द्वारा एक नया फेसबुक ग्रुप भी बनाया गया है, जहां पर इस कैट की ओनर हर रोज इस कैट के द्वारा चुराए गए शूज की फोटोज को अपलोड करती हैं और उनको वापस उनके घर तक पहुंचाकर आती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर वास्तव में काफी ज्यादा खतरनाक जरूर है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस बिस्किट को गौर से देखिए। अब मैं आपसे कहूं कि आपको इस बिस्किट को खरीदना है तो इस बिस्किट को खरीदने के लिए आप मैक्स टू मैक्स कितना पे कर सकते हैं? आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना प्राइस कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। आई नो बहुत से लोगों ने इस बिस्किट की कीमत को 2 रुपए, 3 रुपए या फिर मैक्स टू मैक्स 50 रुपए के आसपास आंका होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी ही बिस्किट को एक ऑक्शन में 15 लाख रुपए के आसपास बेचा गया था। असल में दोस्तों ये बिस्किट कोई आम बिस्किट नहीं बल्कि टाइटैनिक का एक बिस्किट है। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिसके डूबने की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जानों को गवाया था। बट ऑन दी अदर हैंड इस बिस्किट को एक इंसान के द्वारा अपने साथ कैरी करके लाइफ सेविंग बोट के थ्रू वापस सेफ जगह तक लाया गया, जिसके बाद ब्रिटेन में हुए एक ऑक्शन में इस अमेजिंग बिस्किट को 15 लाख रुपए के आसपास बेचा गया। डेफिनेटली इस बिस्किट को जिसने भी खरीदा होगा उसने इसे खाया तो नहीं होगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्व भर में फैली हुई महामारी के चलते हुए बहुत से देशों में बहुत बड़े स्केल पर टॉयलेट पेपर की कमी हो गई थी, जिसके चलते हुए आपने बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर भी लोगों को टॉयलेट पेपर के लिए लड़ते हुए तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जब ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो वहां की जानी मानी न्यूज़पेपर एजेंसी एंटी न्यूज के द्वारा उनके न्यूज़पेपर में एक्स्ट्रा टॉयलेट पेपर को लगाकर लोगों को दिया जाता था। एंड इस न्यूज को भी मे बी आपने कहीं ना कहीं देखा या पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपने उस अमेजिंग न्यूज पेपर को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों भैया की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रिंट होने वाले एंटी न्यूज़पेपर की है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में टॉयलेट पेपर की कमी होने पर ये न्यूज़पेपर कुछ इस तरीके से न्यूज़पेपर के ठीक बीचों बीच 8 एक्स्ट्रा शीट्स को लगाकर अपने रीडर्स को देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन 8 शीट्स का मटेरियल न्यूज़पेपर के बाकी पेजेस के मटेरियल से बिल्कुल अलग होता है ताकि लोग इजीली इनको एज अ टॉयलेट पेपर इस्तेमाल कर सकें। फैक्ट नंबर 3, दूसरे सीरीज में मैंने आपको एनिमल हाइबरनेशन के बारे में बताया था, जहां पर बहुत सारे एनिमल्स ठंड से बचाव के लिए किसी गहरी या फिर गर्म जगह पर कई महीनों के लिए बिना हिले डुले ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन क्या आपको बताया कि जब भी कोई भी एनिमल हाइबरनेशन से बाहर आता है तो उससे 10 से 15 दिन पहले वो यूरिन करना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर हाइबरनेशन और यूरिन का आपस में क्या कनेक्शन है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन जब भी कोई एनिमल हाइबरनेशन में जाता है तो वो यूरिन और पॉटी करना बंद कर देता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उसकी बॉडी उस कंडीशन में अपने आप को जीवित रखने के लिए उसके यूरिन और वेस्ट को बार बार रिसाइकिल करके अपने फूड की तरह कंज्यूम करना शुरू कर देती है। हालांकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जब एक बियर हाइबरनेशन में होता है तब उसके शरीर का यूरिन रिसाइकिल होकर एक प्रोटीन में कन्वर्ट होने लगता है, और यही प्रोटीन उस बियर को 6 महीने तक जिंदा भी रखता है।
और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जब भी कोई एनिमल हाइबरनेशन से बाहर आता है तो उसकी बॉडी की ईटिंग और वेस्ट चेन को मेंटेन करने के लिए उसका ब्रेन उसके स्टमक को वेस्ट को रिलीज करने की कमांड देता है। परिणाम स्वरूप वो एनिमल यूरिन और पॉटी करना शुरू कर देता है। सच में प्रकृति का कोई भी जवाब नहीं है। फैक्ट नंबर टू, दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में तथागत अवतार तुलसी भारत के ऐसे स्टूडेंट बन गए हैं जिन्होंने अभी हाल ही में महज 10 वर्ष की उम्र में ही एमएससी को क्लियर किया है। इससे पहले ये खिताब सुषमा वर्मा के नाम था जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में ही अपने एमएससी को क्लियर किया था। सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर। फैक्ट नंबर वन, बर्फ से आग कैसे लगाई जा सकती है। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आग बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हुए लगाई जा सकती है जैसे कि लाइटर, मैच बॉक्स, कॉन्वेक्स लेंस और यहां तक कि बर्फ से भी। लेकिन दोस्तों इस चीज को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज पे आग कैसे लगाई जाती है। असल में दोस्तों कोई भी परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस सन की पैरेलल लाइट को जैसे ही अपने अंदर से पास करता है तो वो सभी पैरेलल लाइट रेस को कुछ इस तरीके से बेंड करके एक पॉइंट पर फोकस करता है। परिणाम स्वरूप उस पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहां पर रखी हुई कोई भी चीज जलने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप इस पूरे ही सिनेरियो को एक आइस की मदद से भी कर सकते हैं। असल में दोस्तों जब भी पानी को बॉईल करके उसको एक कॉन्वेक्स लेंस की शेप में जमाया जाता है तो वाटर में मौजूद एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और अलग अलग गैसेस रिलीज हो जाती हैं। तो आइस क्रिस्टल क्लियर जमती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से भी सन रेस को क्रॉस होने देती है। परिणाम स्वरूप अगर आइस को घिसकर एक परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस की शेप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो भी सन रेस को एक पॉइंट पर फोकस करके उस पॉइंट पर मौजूद किसी भी कागज या फिर सूखे पत्तों को जला सकती है। बट वेट अ सेकंड, एक क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में जरूर आया होगा कि क्या उस कंडीशन में वो आइस सन की धूप में पिघलेगी नहीं। आई थिंक ऐसा नहीं होगा। क्यों? चलिए वो भी जान ही लेते हैं। असल में दोस्तों जब आइस एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है तो वो बहुत बड़े अमाउंट में सन रेस को एब्जॉर्ब करने की जगह पर खुद से दूर एक पॉइंट पर फोकस करती है जिसकी वजह से बर्फ का टेंपरेचर ज्यादा नहीं बढ़ता है और वो काफी देर के बाद पिघलना शुरू होती है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आप बर्फ का इस्तेमाल करते हुए भी आग लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों जय हिंद।